हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरज। आप लोग देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल नीरज तिवारी। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश को कैसे इंप्रूव करें। दोस्तों, मैं बैंकिंग एक्सपीरियंट हूँ और दोस्तों मेरी भी इंग्लिश काफ़ी वीक थी, यानी कि मेरे इंग्लिश में एक दो नंबर भी आते थे शुरू में। लेकिन दोस्तों, मैंने डे बाई डे मेहनत करी और मैं आज 15 नंबर 16 नंबर इंग्लिश में ला पा रहा हूँ ओनली बाय रीडिंग एंड थोड़ा सा ग्रामर पढ़ के। ग्रामर में दोस्तों मैं सबसे पहले आप लोग को बताना चाहूँगा, आप लोग भी अगर इंग्लिश आपकी सबसे ज़्यादा वीक होगी तो सबसे पहले आप लोग बेसिक करना टेंस में, सबसे बेसिक पढ़ना टेंस में, क्योंकि अभी आप बैंकिंग वाला पढ़ोगे ना दोस्तों वो एडवांस में, और आप लोग को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों मेरे को शुरू में ना ये भी नहीं समझ में आता था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, ये मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता था कि हैज़ प्लस V3 ये क्या होता है, मेरे को नहीं आता था बिल्कुल। लेकिन मैं बेसिक से जब टेंस पढ़ा ना, तब मेरे को समझ में आने लगा कि अच्छा ये वर्ब क्या होता है, ये टेंस क्या होता है, तब दोस्तों मेरे को बेसिक नॉलेज मिला। फिर दोस्तों आप लोग सबसे पहले टेंस करो, टेंस के बाद आप बाकी जितने भी ग्रामर है ना वो करो, और धीरे पहले एकदम बेसिक करना, बेसिक से एकदम फिर अपना लेवल धीरे धीरे इंक्रीज़ करना ग्रामर में, फिर कॉम्पिटेटिव लेवल का पढ़ना, तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा और आप लोगों की इंग्लिश भी बहुत काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी और आप लोगों को अंदर से मोटिवेशन आएगा। क्योंकि दोस्तों अगर ग्रामर में भी हम लोग अगर थोड़ा भी नहीं जानेंगे ना, तो अगर रीडिंग भी करते रहेंगे तो जहाँ तक मेरे को मालूम चले कि हम लोग नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। इसलिए ग्रामर का थोड़ा बेसिक जानो, बेसिक जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्रामर का। आप लोग देख सकते हैं जैसे मेरे मैंने बनाया था टोटल 25 और 8 रॉन्ग हुआ है और 17 राइट हुआ है, और मेरा स्कोर बन रहा है, स्कोर बना है 15। हो सकता है दोस्तों कई लोगों को यह स्कोर भी बहुत कम लगेगा, लेकिन दोस्तों ये मेरे लिए बहुत स्कोर है, क्योंकि मेरे शुरू में एक दो नंबर भी आते थे, मैं वो भी देखा हूँ, और मैं अभी आज 15 ला पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं मॉक दिया था ये बायजूस का दिया था दोस्तों, और मेरे इसमें मार्क्स आए हैं ये 15, जो कि दोस्तों मेरे को बहुत अच्छा लगा, और मैं मेहनत करूँगा तो इसमें और अच्छे मार्क्स आएंगे। और दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग के जो भी डाउट रहेंगे, मैं उसको सॉल्व करूँगा और आप लोग को बताऊँगा और कैसे आप लोग बहुत अच्छे से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं इंग्लिश को। और दोस्तों मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये मैं बहुत पहले भटकता था, मेरे को भी समझ में नहीं आता था कि कोई अच्छे से गाइड कर दे। मैं बहुत वीडियो देखता था यूट्यूब में कि यार कैसे इंग्लिश इंप्रूव करो, लेकिन बात मानो मेरी, आप लोग भी बेसिक से करके देखना, आप लोग को बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा, और आप लोग मुझे बताएंगे कि हाँ मेरे को इंप्रूवमेंट मिला। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।